आंटी ने आपको अंदर बुलाया, इसका मतलब ये नहीं आना जरूरी था। इसलिए नहीं कि मुझे करना था, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता था। हो सकता है आप चाहते हो, पर आंटी को अजनबियों का घर आना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे बहुत सिंसियर इनविटेशन मिला है। एक और बात, मैं उन्हें बहुत पसंद आया हूं। ऐसा बस आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, वो सच है। क्या उन्होंने ऐसा कहा कि आप उन्हें पसंद आए? क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सुना। उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। ऐसे मत देखो, मत देखो प्लीज। तुम ऐसे देखोगी तो मैं वो सब भूल जाऊंगा जो मुझे कहना था। क्या तुम्हें अभी भी हेल्प नहीं चाहिए? हाँ, मैं हैंडल कर लूंगी। आर यू श्योर?
बेटा। आंटी आपने तकलीफ क्यों की? निकाल दिया, पेंट का स्टेन था। तुम्हारा हाथ, पूरे हाथ पे कलर लग गया है। कोई बात नहीं, आपका काम हो गया तो आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसमें आप हेल्प कर सकें। मैं उनके लिए जो कई दिनों से हैं और उनके लिए जिन्हें मैंने आज तुम्हें कहा है। हाँ, आप कुछ दिनों से अलग बिहेव कर रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली अरे वाह बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पति थक गए होंगे ना? ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है और इन्हें जाना भी होगा आंटी। हाँ, मैं
मैं अब यहाँ से ऑफिस जाऊंगा। नहीं, मैं आपको बिना कॉफी पीने जाने नहीं दूंगी। आपने हमारी बहुत मदद की है। चलो बेटा, कॉफी बनाते और साथ पीते हैं। हमने तुम्हें थका दिया ना बेटा? Come on, ऐसा मत कहिए। थकान किस बात की? ऊपर वाला तुम्हारा भला करे बेटा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब देर मत करो, तुम जाओ। एक्चुअली मैं इसमें देरी कर सकता हूँ। मेरे पास थोड़ा और वक्त है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर बनाई है ऊपर वाले ने। मेरे घर को भी इतना अच्छा बनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये घर आपकी बहुत मदद करे। मुझे पानी पीना था। हाँ सफर, बोलो। कहाँ पर हो एमिर? क्या तुम आ सकते हो ऑफिस? क्यों, कुछ अर्जेंट है क्या? शॉपिंग सेंटर के मैनेजमेंट वाले मीटिंग करना चाहते थे। मैं ना नहीं कह सकता क्योंकि हमने दो बार पोस्टपोन किया है। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। ये मीटिंग को भी अभी आनी थी। थैंक यू सो मच। इन्होंने आज मुझे थैंक यू बोला, अब मैं इन्हें क्या बोलूं? एंजॉय मिसेस जावदान। निगार, प्लीज इस लड़की से कहो कि अपने रूम में रहा करे। इस तरह यहां वहां घूमकर पूरे घर को गंदा ना किया करे। जरूर मिसेस जावदान। फाइनली मैं एसोसिएशन की मेंबर बन ही गई। हिकमत, वेलकम डियर। बैठिए ना, मैं निगार से आपके लिए कॉफी बनाने के लिए कहती हूँ। ब्रूच कहाँ है? मैंने आपको बताया ना कि ज्वेलर के पास है। ज्वेलरी स्टोर वाले से मेरी बात हो गई है, तुम वहां गई ही नहीं थी। हिकमत, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि मैं आपसे झूठ कह रही हूँ कि मैंने पिन ज्वेलर को दी है? मतलब मैंने अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज आप? जाविदा, तुम जानती हो ये मामला पैसे का नहीं है। वो ब्रूश मेरी फैमिली का हेयरलूम है, उसके साथ हमारे खानदान के जज्बात जुड़े हैं। मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा ये है कि तुमने झूठ बोला। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझसे कोई गलती हो गई है। और क्या पूरे शहर में सिर्फ एक ही ज्वेलर है? मैं उसे किसी और ज्वेलरी शॉप में नहीं दे सकती। आप भी ना हिकमत, छोटी छोटी बातों पर शक कर बैठते हैं। इस घर में तो हर कोई मुझे बुरा समझता है। वो ब्रूश शाम तक यहां होगा, याद रखो। ये मैं कहां फंस गई? अब मैं क्या करूंगी? उन लोगों को देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं उसे वापस कैसे लाऊंगी? इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे करूंगी मैं, वो भी शाम तक? हे ऊपर वाले। ए लड़की, तुम यहां वहां कहां घूमती रहती हो? मैं पानी पीने जा रही थी। मैंने कहा ना पूरे घर में ऐसे मत घुमा करो।
अब तो हद ही हो चुकी है। जो जी में आए वो करती रहती हो। तुम्हारी वजह से अगर एसोसिएशन में। चलो अब चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो कहा ना, चलो मेरे साथ चलो। आपको कुछ चाहिए क्या? वो जफर का कॉल था, एक मीटिंग के लिए मेरा वेट कर रहा है। मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूं और फिर ऑफिस जाऊंगा। मैं समंदर किनारे जाऊंगा। मैं वहां तुम्हारा वेट करूंगा, तुम चाहे आओ या ना आओ। कुछ बातें हैं जो करनी है और वो इंपॉर्टेंट है। अंदर जाओ, चुपचाप जाओ, अंदर चलो मैंने कहा, और बाहर मत आना। प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। आप क्या कर रही है? प्लीज खोलिए ना, आप ऐसा मत करिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज खोलिए, प्लीज। आप ये क्या कर रही है मेरे साथ? प्लीज दरवाजा खोलिए। चाहे जो भी कर लो तुम नहीं जीत सकती रेहान। चुपचाप सैंडविच खा लेना। क्या यहां कोई आने वाला है?
क्या करी हो तुम? नहीं, मुझे मत मारना। मार डालूंगा। प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाइए। प्लीज मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे डर लगता है यहाँ पर। प्लीज सुनिए। मुझे लगा कि इस मुद्दे को मीटिंग में पुश करेंगे, लेकिन तुमने इसे एक सेंटेंस में हल कर दिया। मैं चाहता हूं हर मुद्दे को एक सेंटेंस में हल कर दिया जाए। यकीन करो कि यह हल हो गया है। तुम्हें बस एक छोटा सा जादुई सेंटेंस कहना है। You mean मुझे माफी मांगनी चाहिए? मैं आज बात करूंगा। मैंने उसे कहा है कि मैं बीच के वहां वेट करूंगा। तो इंतजार किस बात का है? नहीं, बस मैं जा ही रहा हूं। मुझे बताना। हेलो, सुना? एक बहुत ही अच्छी खबर है। इस लड़की की आवाज क्यों नहीं आ रही? कुछ हो तो नहीं गया? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी और मुसीबत में फंस जाऊंगी। प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज खोलिए ना, ऐसा मत करिए। मैंने क्या किया है आपके साथ? तुम अपनी सौतेली माँ को मिस कर रही हो? फिक्र मत करो, तुम्हें भी उसी के पास भेज दूंगी ताकि मैं इस घर में शांति से रह सकूं। प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मुझे अपने स्टेप मॉम के पास मत ले जाइए। प्लीज आप जो बोलेंगे मैं सब कुछ करूंगी। प्लीज आप मुझे उनके पास मत ले जाइए। मुझे उनके पास नहीं जाना, कभी नहीं जाना मुझे। वेलकम बेटा। थैंक यू सो मच। मैं बस कपड़े चेंज करने के लिए आई। कहीं बाहर जा रही हो? अकेली? नहीं, अकेली तो नहीं। अच्छा, तुम अमीर से मिलने जा रही हो? हाँ। बहुत अच्छे, ये जानकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। सेने? प्लीज। ज़ेना, कहाँ हो? क्या हो गया तुम्हें? दरवाजा खोलिए रेवंती, रेवंती दरवाजा खोलिए। ठीक है ज़ेना, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें निकाल दूँगी बाहर। मुझे बाहर निकालिए। क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको वो दरवाजा खोलना है। रेहान, बाहर निकालिए मुझे। वो बच्ची डरी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकती हो रेहान? मैंने उस लड़की को सजा दी है।
एक बच्ची को बाथरूम में बंद करके आप उसे सजा दे रही है, ये बहुत ही लूड है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी तो मैं बाद में देख लूंगी। ओ सेनेप, यहाँ आओ, कोई बात नहीं, सब अब सब ठीक है, शांत हो जाओ। हेलो मिस जाविदा, आपके प्रॉफिट का शेयर दे दिया गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कर दो और उन्हें कहो कि मैं पैसे विड्रॉ करूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई मुझे। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैं जाविदा, पैसों का बंदोबस्त हो गया है, क्या मैं आ सकती हूँ? ऐसी जल्दी क्या है, यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं और मैं आज ही इन सब से बाहर निकलना चाहती हूँ। क्या ये सैनब को उसकी सौतेली माँ के हवाले कर देंगी? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बेटा। हाँ बस। जल्दी वो ग्रीक औरत यहाँ आ जाएगी, ब्रोश वापस लेने, हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। ओके, अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो? और भी बेहतर होगा, तुम इसे देना ही मत। इसके बाद क्या करना है तुम जानते हो, डबल या कुछ भी नहीं। मैं बाहर जा रहा हूँ, फैसला तुम्हें करना है। बैंक से इतने सारे पैसे निकाले, ये इन पैसों का क्या करेंगी? क्या ये उसकी सौतेली माँ को देने वाली हैं? तुम्हारे बॉस यहाँ नहीं है क्या? वो नहीं है सिस्टर, क्या आप ब्रॉच के लिए आई हैं? ब्रदर रफीक ने कहा था। यही है ना वो ब्रॉच, आप इसी को लेने आई हैं? हाँ। ये रहे पैसे, अब मैं ये ले लेती हूँ। बैग में कितने पैसे हैं? उतने ही पैसे हैं जितने की बात हुई थी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम गिन सकते हो, पर जल्दी करो। हाँ, पर वो अब बदल गया है, ब्रदर रफीक ने कहा है कि हमें दो गुना लेना है। यदि आप ब्रॉच चाहती हैं तो आपको मेरे लिए उतने पैसे लाने होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये तो सरासर बेईमानी है। इस देश में पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स हैं। अब मैं अभी जाकर तुम्हारी कंप्लेन लिखवाती हूँ। आवाज नीचे, आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ चैरिटी के लिए बैठे हैं?
अचानक कहाँ चली गई है? देखो मेरी बात सुनो, हमने जो तय किया था वो सारे पैसे मैं लेकर आई हूँ, इसमें इंटरेस्ट के भी पैसे हैं, चाहो तो तुम गिन सकते हो। आपने मुझे चोर कहा, आपको पता होना चाहिए कि मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। हम लोग बिजनेस करने के लिए बैठे, बॉस ने कहा है कि हमें डबल लेना है तो हम लेंगे। ठीक है, मैं समझ गई, मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहती हूँ, अगर मैं उन्हें नहीं बना पाई तो और पैसे ले आऊंगी। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं अभी कॉल कर देता हूँ। कहाँ जा रही हैं? मैं और पैसों का बंदोबस्त करने जा रही हूँ, जब इकट्ठे हो जाएंगे तब आकर पेन ले जाऊंगी। वो औरत कहाँ गई? उन्होंने कहा पैसे लेने जा रही है वो। और वो ब्रोच कहाँ है? ब्रोच वो ले गई, भागो जल्दी, पीछा करो। हा? जल्दी करो। हा, हा। यहां भी नहीं है, आखिर गई कहां वो? चेहरे क्यों उतर गए? मेरा नाम सुनकर घबरा गए ना तुम लोग? तुम लोग मेरे पति को जानते नहीं हो, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं वो, तुम लोग तो बस देखते जाओ। इसे अकेला मत छोड़ना, अपने बॉस को बुला रहे हो ना, जल्दी से कॉल करके उसे बुलाओ और कहो कि जल्दी से यहाँ आए। हेलो, हाँ भाई, ये तो तारुण के परिवार से ही है। मुझे याद है जब उसने कहा था, मैंने अखबार में इसे देखा था। ये बकवास है, कोरी बकवास। मेरी बात सुनो, मेरे आने तक उसे वहीं बंद रखो, समझ में आया? ठीक है भाई, इसे लेकर जाओ और कमरे में बंद कर दो। चलो चलो चलो, उठो, चलो, छोड़ो, अरे छोड़ो, उठो, चलो, अरे उठना, नखरे क्या दिखा रही, चल, छोड़ो, चलो, छोड़ दो।
मैंने कहा था 4 बजे, लेकिन वो 5 बज रहे हैं। इधर वेट करता हूं और वक्त बहुत ज्यादा ही बुरा है। रहो। ए सुनो, इसे उस रूम में बंद कर दो। एमिर, मुझे एमिर को कॉल करना चाहिए। कम ऑन, ओह नो, उनका फोन बंद है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मैसेज छोड़ देती हूँ। हाँ, शांत हो जा रेहान, मैसेज छोड़ दे रेहान। आपकी मॉम को कुछ आदमियों ने पकड़ लिया है, उनके पास बंदूकें हैं। अभी हम लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं और ये जगह सुल्तान बेली के पास में है। प्लीज मैसेज सुनते ही प्लीज जल्दी आ जाइएगा, प्लीज। क्या करूं? अगर एमिर ने देर से सुना तो क्या करूं? पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस